अच्छा जी, हम यहाँ पर इस वक्त महत्ता एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, जो इस वक्त महत्ता म्यूजियम बन चुका है। व्हाट इज बीपी? ब्लड प्रेशर। ये उनके पूरे जिस तरह ये एयरपोर्ट काम करता था उसकी तस्वीर है। ये इनके वालिद साहब हैं, रूलर के शेख सुल्तान बिन सकर अल कासमी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो ये पायलट्स ये पायलट्स की जो ओरिजिनल लॉग बुक्स एंड ट्रेनिंग मैनुअल। देखे लॉग बुक, हाँ जी, हर चीज का पार्ट वन, हर चीज का वॉल्यूम वन। ये देखिए उस वक्त का टेलीकम्युनिकेशन। नहीं, कैसे करता? ये वो नहीं, टक 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 होता था। ये इससे बोलते थे और ये कान पे ना, ये रेलवे रेलवे वालों के पास, ये पाकिस्तान में हमारे घर के बिल्कुल पास था फाटक। हमने अपनी आंखों से ये करते देखा, यूं करके आला नंबर मिलाते थे। एंड व्हाट इज दिस? क्लॉक वर्क बैरोमीटर में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उन्होंने बनाया ऐसा है कि हम ओल्ड से न्यू की तरफ जा रहे हैं। ये था वो सिनेमा जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये देखें, ये था वो मूवी, इस तरह चलती थी। अच्छा, इस पे बैठते थे। और ये सर इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर सर। शारजा पैरामाउंट, वाह। और सीटें ये थी जैसे, ये सीट्स हैं, सीट्स वही सीट लेके पेट्रोल वाले कैन, वही ना पेट्रोल कैन, उनको उल्टा किया हुआ है। इनको पीपे कहते हैं, पीपे। और ये थी वो तस्वीर उस वक्त की रियल, जिस पे बैठे इस तरह ओपन सिनेमा। ये पहले जमाने का ही, उसके बाद। और उसका नाम था द शारजा सिनेमा। तो मैं बता रहा था कि इधर से हम गुजरते गुजरते अब हम एयर अरेबिया में घुस जाएंगे, क्योंकि अब शारजा की एयर अरेबिया है। एविएशन सर, ये बैरल्स किस चीज़? हाँ जी, पेट्रोल। और ये पेट्रोल, ब्रिटिश पेट्रोलियम। और ये है वो जिससे हम एंटर हुए हैं, इज दैट? ये है मॉडल इस पूरे एयरपोर्ट का, कैसे खड़े होते थे ये जो, दिस इज द वन, यस, जहाँ हम एंटर हुए हैं। अब देखो ना, ये मैं सही कह रहा था कि तकरीबन 25 फुट नीचे जा चुके, भर्ती इतनी पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें दो स्टोरीज नजर आ रही हैं, खिड़कियां दो स्टोरीज की, उसके ऊपर है ये। देखो, दे वर प्लेइंग हियर, इधर दे वर प्लेइंग, है ना? वो जो तोप हमने देखी थी, इधर से एंटर हुए हम। तोप अब पड़ी है वहां पे, जहाँ पे नेट था ना, वहां पे इन्होंने तोप रखी है। सर छत पे देखो, ओह फाल्कन, दिस इज फाल्कन। और ये क्या टेक्निक्स उन्होंने लिखी हुई है इधर सर, जहाज की, दिस इज फाल्कन। डॉक्टर साहब जी, क्या कहने, मैं कहना पुराना एयरपोर्ट। कंटिन्यू करें, क्या बोल रहे थे आप? शाहीन बन के जिसकी हिफाजत, खुदा करे, खुदा करे वो शम्मा क्या है, शाहीन बन के नहीं और खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, और फानूस बन के शाहीन का बच्चा तो याद आ गया, और ये शाहीन नहीं है। सॉरी बब्बू, शुक्रा है, सॉरी बब्बू, आपका फोन मुझे पकड़ना महंगा पड़ गया, वापस लेती हूँ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या जले जिसे, वो शम्मा क्या बुझे, बुझे भाजी बुझे, अपनी सैर भी करी जाओ नाल नाल मेरे भी। वो शम्मा क्या है, जहाज का टायर देख लिया, उसके अंदर क्या होता है। अच्छा सर, ये देखें ये क्या है, ये पुराने टेलीकम्युनिकेशन। जी जी, टेलीकम जहाज, सिग्नल्स, टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है? This should be the black box. Black box है ना? Yeah, black box. Yeah, the black box. क्योंकि ऑरेंज कलर का होता है जी, इसलिए मैं ऑरेंज कलर का क्यों होता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि जब कुछ सब कुछ जल जुल जाए उसके बाद नजर आ जाए। ऑरेंज कलर दुनिया का वाहिद कलर है जो हर हालत में दूर से नजर आता है, वही ना, नजर आने के लिए, जैसे नियॉन कलर्स या हाइलाइटर्स होते हैं, चाहे स्नो हो, स्नो में आपने देखा जैकेट्स किस रंग की होती है। ये देखे डॉक्टर साहब, इंजन, पूरा इंजन, और इसको अगर आप बस इतना सा फंक्शन करना चाहें तो ये सिंगल, ये देखो,
ये सिंगल इंजन। Now you see how it's work। ये एक प्रोपेलर के साथ चलने वाला इंजन। ऐसे चलता था। Wow। पिस्टन इंजन। ये पिस्टन है ना, ये this is the piston। ये जो ऊपर नीचे जा रहा है, ये पिस्टन है। अब ये खत्म हो गए हैं। ये पिस्टन इंजन जो है ना। सारा गड्डियाँ तो अजय भी ये तो नाल दे इंजन। हाँ, लेकिन अब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। सीट्स। वाह वाह। ये मीटर्स। स्कूबा डाइवर्स नहीं लग रहे। मुंह रख। कॉकपिट एंड कंट्रोल। अगर बब्बू अकेला डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता ना, मेरी चश्मे तो सफर देख रही, इनको देख के कहता वाह जी वाह, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां चल गया। क्या कहने बब्बू, तेरा स्क्रिप्ट भी मैंने पता है। ये उसकी उसका रडर होना चाहिए। रडर ही है, इट इज द रडर। रडर, ट्विन रडर इज द, इट्स फ्रॉम अ पायनियर। पायनियर, ये देखें डॉक्टर, ये थोड़ा मॉडर्न इंजन है। ह्यूज। A historical glimpse of the first landing. अच्छा वो हम मॉडर्न अब हम मॉडर्न ये घुस गए अब हमारे हैं जी टेंपरेरी एग्जीबिशन ये ग्लिम्पसेस इसके अच्छा उन्होंने देखे कैसे चेंज किया है अब बिल्डिंग को चेंज कर दिया एंड एयर स्टेशन लिंकिंग क्या अब हम आहिस्ता आहिस्ता एयर अरेबिया की तरफ जा रहे हैं ओह दिस इज इंटरेस्टिंग शारजा एंड एयर स्टेशन लिंकिंग ईस्ट एंड वेस्ट ये सर वो है नक्शा पूरा इस यहाँ से जहाँ जहाँ अच्छा हाँ और इसमें कराची भी है पेरिस है दिस इज लंदन दिस इज लंदन पेरिस हाँ जी ये ब्रिंडिसी अच्छा जी एथेंस कासल रोसो ये कहीं यार जो नाम चेंज हो गए गैलीली 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 ये गैलीली है एक्चुअली गैलीली गैलीपोली था ना गैलीपोली जैसे बड़ी फेमस बैटल ऑफ गैलीपोली ये बगदाद आ गया देखें करीब है और इस तरफ से काहिरा जी जी और बसरा एक कोई फ्लाइट सी नहीं ये रूट नहीं, नहीं, नहीं ये रूट है भाई बहरीन और शारजा से कराची गवादर उस वक्त भी गवादर हाँ उस वक्त क्या गवादर नहीं था अच्छा ये सारी जो फ्लाइट्स हैं इनकी ये तस्वीर है उस वक्त की उस वक्त के बिल्कुल जो ट्रिप था ये कनेक्शन रूम फ्रॉम कराची टू दिल्ली ऑपरेट बाय दिल्ली फ्लाइट क्लब जो है ना ये कमाल हां जी ये एरोफ्लोट जिस तरह होती थी ना हम कराची टू दिल्ली ऑपरेट बाय दिल्ली फ्लाइंग क्लब ये जो इस तरह के है ना जी ये इस तरह की ये कनेक्टिंग रूट्स है अच्छा ये कनेक्टिंग है डॉटेड जो है कनेक्टिंग है और जो शार्प रेड है वो मेन रूट है वो मेन रूट लेकिन अब जिस तरह ये क्या ट्रेन है या ये क्या है ये ट्रेन भी है ना बता रहे हैं यहाँ पर ट्रेन भी है ना एक सिंगल डॉटेड है एक डबल डॉटेड Miracles of flight. The miracles of flight. ये जी परिंदे से जहाज The miracle of flight. हाँ जी मच्छर तो शुरू होया फिर तितली बनी है फिर तितली तो बनिया फिर लग लग हो गया फ्लाइट के मिरेकल्स अच्छा देखो ना मच्छर कह रहे हो ये क्यों नहीं कहते कि मगस है ये मच्छर नहीं है मगस मगस क्या होता है आई नजर ही मच्छर आउंडे में तनु हर चीज पुठी क्यों नजर आ आई मच्छर ही है वो मुर्द के हो मच्छर की वो निकली हुई सामने से जिससे मच्छर काटता है नहीं नहीं ये मगस है मगस क्या होता है बी यानी बी एक शेर है उसका मतलब मगस को बाग में जाने से रोको नाहक खून परवाने का होगा और बीच जो बाकी बचेगा उससे मोमबत्ती बनेगी मोमबत्ती जलेगी और परवाना जलेगा दूर की खोड़ी सर ये ऊपर आपके सर पे महामालिक नाना हटे तो हुआ डेलो सो के आप इधर आएंगे महामालिक दिस इज अ ह्यूज ए बनाए नहीं मगस बनाए गए ना सारे ये बहुत बड़ी शहद की मक्खी देखो कितनी बड़ी और ये यार क्या साइज है इसका वाह वाह
ये बनाई हुई है, बनाई गई है सारे ये सारे जैसे ये डायनासोर है। हाँ जी मॉडल्स हैं सारे। ये इर्तकाई कोशिश इब्तदाई जो कोशिशें हुई थी ना, हाँ। जो बंदे गिरते थे धड़ाम धड़ाम, इंसान इस तरह भी उड़ा है डॉक्टर साहब ये देखें। हाँ नहीं मॉडल अब भी उड़ता है नहीं, अगेंस्ट एयर स्पीड इसको मूव करना वाकई वो हाँ, ये बहुत मुश्किल होता मुश्किल काम। ये अब भी उड़ता है भाई ड्रोन जिस तरह नहीं ड्रोन नहीं ये जो होते हैं ना ग्लाइडर्स। अच्छा ग्लाइडर्स में इंसान इस तरह ग्लाइड करता है। जो मरा है कुछ अर्सा पहले तीन चार साल पहले वो उसमें हंसा लेक के पास। अच्छा अच्छा जी 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 पैराग्लाइडिंग करते हैं बिल्कुल पैराग्लाइडिंग करते हैं वो मुझे नहीं पता लेकिन लाहौर का था वो लड़का क्लिफ थी दीवार थी उसमें लगा फुल स्पीड से मग देखो मग ये वाइट मग है। ये देखे बबन एयर स्पीड जो होती है ना जहाज चलते में इसको करो चलाओ जी चलता भी है चला के देख लो। सो वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन ए वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड ये बोला जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में और यहाँ पर वो चांद पे गए यहाँ से। सो फ्लाइट होते होते किस फॉर्म में चली गई जहाज उड़ाने लगे हम और देखा बाबू भाई उड़ा रहे हैं। बब्बू बहुत सीरियसली इस वक्त जहाज उड़ा रहे हैं वो देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आएगा ये बब्बू का जहाज है। आप जरा प्रैक्टिकली ये छोटा सिमुलेटर होगा जी लैंड तो करा दे खुद क्या जगह ले बब्बू छोटा लगा जा तो एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। हाउ डज इट फील बब्बू मैंने इसको हवा में मुहल्लक कर दी मुहल्लक कर दी इसको पता क्या कहते हैं सिमुलेटर ओहो ये सिमुलेटर एयर अरेबिया जो शारजा ने ये एक्चुअली नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम जो वाशिंगटन डीसी में है ना जी जी उसकी याद दिलाता है यानी कि वो भी कॉपी टाइप है भी। एयर अरेबिया और 130 डेस्टिनेशंस पे जा इधर तस्वीर बनाए बब्बू आई जरा बब्बू इधर आ बब्बू आई आई हमारे व्लॉग का थंबनेल पहुंच के साथ वहां पहुंच देख बाबू का बिहाइंड दिस क्या एयर होस्टेस बनने की ख्वाहिश आपकी थी और बाबू इतने खुश थे उस शक्ल में नजर आ रहा था उनके हम छोटे छोटे हाय बाबू इस तरह से खुश थे डॉक्टर साहब तुम वाकई ये दोस्त लग रहे हैं और मैं वाकई लड़का लड़का लग रही है इधर आप बैठ के वो एक पीछे से व्यू एक जस्ट तस्वीर बना सकते हैं कि आप पायलट हैं। मुझे यहाँ की कलर स्कीम इतनी प्यारी लग रही है किसी जमाने में ये कितना बोरिंग था और अब
ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਕਾਨੇ ਨੇ ਜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਦੇਖੇ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਲੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਗੋਰਾ ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਾਡਰਨ ਥਾ यहाँ पे वो खेल रहे थे रिंग के साथ